हेलो, मेरा नाम अनीश अशोक मोरे है। मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9130403927। मेरा एजुकेशन 12th पास हूँ मैं, और मेरी स्किल्स हैं, मैं सिंगिंग का भी मुझे शौक है, मैं गाने भी गाता हूँ। हारमोनियम का जो मैंने कोर्स किया था, तो उस कोर्स में मैंने सिर्फ 2 महीने ही मैं क्लास में गया था। उन 2 महीनों में मुझे जो सारेगम होते हैं वो पर सात आठ अलंकार सिखा था, और मैंने 2 राग सीखे हैं। तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो मैं कुछ गानों के एक दो सेंटेंस भी मैं गा के दिखाऊंगा आपको। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते, सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। और दोस्तों, मुझे मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में भी टेक्निकल नॉलेज है। जो हमारा स्क्रीन रीडर होता है, जो स्क्रीन पर जो टेक्स्ट लिखा होता है, उसके मदद से हम मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और मेरा MSIT का कोर्स भी हुआ है कंप्लीट। और MSIT में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मैं ये भी यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं आपको इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखाऊंगा। उसकी स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। तो अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, और वर्ड में कुछ टाइप करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं विंडोज प्रेस करता हूँ। Microsoft Word 20, Enter. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन Cancel किया, button to activate press space bar period. और ये वर्ड ओपन हो Document चुका है। dash Microsoft Word left there. Microsoft Office activate. Learn how to work. Change. Right. Help button. Close button to activate press space space. Quit view. तो Edit. एडिट पेज मतलब ब्लैंक पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। इस पेज में कोई लिखा नहीं है, कोरा कागज़ है। तो मैं इस पेज पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं मेरे फैमिली के बारे में ही इधर टाइप कर लेता हूँ। M M कैपिटल, Y space F A M I L Y माय फैमिली, एंटर। Enter Enter 2 बार एंटर किया मैंने, 2 लाइन छोड़ दी नीचे। अब मैं इधर टाइप कर लेता हूँ, माय नेम इज। M Y space N A M E space I S space A N I S H space A S H O K space N O R E Enter मेरा नाम टाइप कर लिया। इधर नीचे में टाइप करूंगा माय ब्रदर्स नेम इज। N Y space N A M E space I S space नेम इज S A N D I P space N I L E S H space E R S S R E P R A S A D space N O R E Enter टाइप किया। इधर नीचे डाउनगा नीचे नीचे टाइप करूंगा माय मदर्स नेम इज। N Y space N A M E space I S space U J
PALA SPACE MOBILE. तो बस इतना ही मैंने टाइप किया। अब ऊपर जो मैंने माय फैमिली लिखा है उसे मैं सेंटर में लेकर आऊँगा। माय फैमिली इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डाउन एरो, सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल ई करूँगा, ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आ चुका है। तो मैं इस पेज को थोड़ा फॉर्मेटिंग करूँगा, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+D। कंट्रोल डी करता हूँ, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। एरियल करना हूँ सिलेक्ट, स्टाइल इटैलिक, बोल्ट रेगुलर करता हूँ सिलेक्ट, साइज ओके के ऊपर मैं सीधा स्पेस बार करता हूँ। मैंने ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, बस थोड़ा ही किया है, साइज सिर्फ बढ़ाई है और कलर थोड़ा ऐड किया है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट का डेटा, मार्क लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, और आउटलुक के अंदर कॉन्टैक्ट हम सेव कर सकते हैं, और ईमेल वहाँ से अटैच करके सेंड कर सकते हैं, और रीड भी कर सकते हैं। और अगर हमें कोई गाना सुनना है लैपटॉप से तो वो भी हम सुन सकते हैं। तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करता हूँ, और आप चाहे तो ऐसे सेव भी कर सकते हो। मैं सेव करके भी आपको दिखाऊँगा। Ctrl+S करूँगा सेव करने के लिए। Ctrl+S किया, सेव का डायलॉग बॉक्स आया है। तो Tab, leaving menu tab, toolbar of tab, toolbar of tab, search box edit tab, items view list tab, control O tab, shell folder tab, header names tab, file name folder tab, save as type colon tab, save field preview tab, tab colon tab, save thumbnail check tab, toolbar to tab, menu tools to tab, leaving menu tab, cancel button tab, toolbar of the quote nil shift tab, cancel button shift tab, save button to activate save space bar period. Tab से मैं सेव बटन तक आया, अब सेव के ऊपर मुझे स्पेस बार करूँगा तो ये सेव हो जाएगी फाइल, लेकिन मुझे सेव नहीं करनी फाइल, तो मैं एस्केप करूँगा इस डायलॉग बॉक्स को, अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो एस्केप करना है, तो डायलॉग बॉक्स हट चुका है। तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ Alt+F4 से। टैब से मैं डोंट सेव के ऊपर टैब स्पेस बार करूँगा तो हट चुका है। तो अब मैं धीस पीसी करता हूँ ओपन, तो डेस्कटॉप पर मेरा फोकस है अभी, तो मैं सिर्फ टी प्रेस करूँगा, धीस पीसी, एंटर गया। This PC, items view, multi-select list box, not music. तो इधर सारे फोल्डर की लिस्ट आई है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है, तो फाइल मैनेजर को ओपन करते ही फोल्डर की लिस्ट आती है, तो वैसे ही है। तो अगर म्यूजिक फोल्डर के अंदर मेरे कुछ गाने हैं, तो मैं इसके ऊपर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अगर इस फोल्डर के अंदर कुछ गाने, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो, तो उसके ऊपर सिर्फ एंटर करना है, वो प्ले हो जाएंगे। मैं प्ले करके आपको नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत आसान है। तो
दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि ब्लाइंड पीपल कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकता है स्क्रीन रीडर के मदद से। धन्यवाद।